एक चीज़ बताइएगा मुझे कि ये डेटा सेट था तो मैंने रन कर लिया, अभी मैं फाइन ट्यूनिंग पे नहीं किया, जो आप लोग के साथ वो है नोटबुक उसी को रन कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद हो गया उसी से वो जो जी जो टोकन जनरेट किया था इट वर्क्स एंड डेटा सेट के बाद ये जो प्रॉम्प्ट है मैं इस कोड को रन करूंगा तो एज इट इज रन कर दूं या मुझे कुछ इनपुट में देना है? असल में इसकी जो रिसोर्स पर्सन है ना मिस हूं मैं, इस स्निपेट को चेंज करना है मैंने, नहीं मेरा रिकॉर्ड अच्छा उनको ना फाइंड यू मदर टेक्निकल का जो क्वेश्चन है उस पे पहुंचेंगे। अच्छा
अच्छा डेटा सेट और वो जो टोकन जनरेट करने वाला काम है ना वो तो कर लिया, नोटबुक लॉगिन कर लिया मैंने. अच्छा इसके बाद ये जो स्निपेट है इस स्निपेट को चेंज करके रन करना है? नहीं इसको आपने चेंज करना. दिस वाज जस्ट ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. करना क्या है कि आपके जो हाइपर पैरामीटर्स है ना आपने वो चेंज करने हैं. एक लोरा के नीचे आएंगे ना, एंड पे आएंगे, लोड द मॉडल के स्टेप में चेंज करना होगा. नीचे जी ये भी हो गया पैरामीटर अपडेटिंग. अच्छा यहां पे सिर्फ इस स्निपेट में कुछ चेंजेस करनी होंगे. इतने नीचे थोड़ा सा और नीचे. अच्छा बेसिक चेंजेस आपने यहाँ पे करनी होंगी. ठीक है ये लोरा अल्फा है, आर है, ड्रॉप आउट टारगेट मॉड्यूल्स हैं और नीचे जाएं टारगेट मॉड्यूल्स. अब ये मैंने थोड़ा सा ओपन इसलिए अल्फा टारगेट मॉड्यूल्स ये हाइपर पैरामीटर्स हैं और इसके अगर ये अल्फा ये हो गया टारगेट मॉड्यूल जो कि ड्रॉप आउट भी है. ड्रॉप आउट अल्फा ये भी चेंज कर सकते हैं. हां जी ये अब थोड़ा सा नीचे जाएं. ये जो इसके ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स है ऑफ कोर्स दीज आर आल्सो आई हैव पैरामीटर्स आई विल नीड टू चेंज. तो ये मैंने ओपन इसलिए रखा है क्योंकि आई नीड यू गाइस टू गो फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि ठीक है अगर एक्स वाई जेड मसला आ रहा है तो व्हाट आर द थिंग्स जो कि हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है बहुत अच्छे रिजल्ट्स शायद. दिस इज द ट्रेनिंग पार्ट टू बी वेरी प्रिसाइज. ये जो ट्रेनिंग पार्ट है ये हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं. ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स ट्रांसफार्मर ये ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं. हाइपर पैरामीटर हाँ जी ये हमारे हाइपर पैरामीटर्स हैं. फिर यहाँ पे हम हमारा जो ट्रेनर की क्लास है वहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं. वहाँ पे हम बताते हैं कि ये मॉडल है, ये डेटा सेट है, ये हमारे ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं. फिर नीचे ये फंक्शन है. हमने सिर्फ इसको चेंज करना असाइनमेंट में सिर्फ इस चीज़ को चेंज नहीं इसको आपने लोरा के आपने चेंज करने हैं. ये लोरा के चेंज करने हैं आपने पैरामीटर्स. एंड एफ टी से क्या मुराद है? ये तो वेरिएबल है ना बेसिकली. नहीं इसका मतलब ही होगा ना कोई. ये पीईएफटी का मतलब होता है पैरामीटर एफिशिएंट फाइंडर. ओके जो फाइन ट्यूनिंग कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली एफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन है. हाँ जी एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें से हम लोग यहाँ पे लोरा कर रहे हैं. ठीक है सो ये वन ऑफ द टेक्निक्स फॉर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग इज लोरा. ठीक है तो इसमें ये वेरिएबल तो यूज नहीं हो रहा. ये वाला जो वेरिएबल है पीईएफटी जी EFT यहाँ पे यूज़ हो रहा है. ये मॉडल अच्छा इससे मॉडल बन रहा है हमारा. ठीक है फिर मॉडल से ये बेसिकली दिस इज अडॉप्टेड लाइक थिंग जो कि आप अपने मॉडल के साथ अटैच करते हैं. और उसी को अपने फाइन ट्यून जो आपकी फाइन इंटीग्रेशन के साथ उसको बना बना के अटैच करते हैं. यूज कैसे पॉज मॉडल फिर ये मॉडल है फिर ये मॉडल. बस हमने ये वाली जो चीज़ है इसको चेंज करा है मॉडल. मॉडल आपका ये रहेगा आपने हैपी पैरामीटर नहीं मतलब इसके जो ऊपर वो जो इनिशियलाइज हो रही कॉन्फ़िगरेशन मॉडल की जो एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमने डिफरेंट वैल्यूज का ट्यूनिंग कर. लेट मी रीफ्रेज इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. हमने ये करना है कि जो मॉडल की एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिफरेंट वैल्यूज कम्बिनेशन पे हिट एंड ट्राई करके बार बार चला चला के देखना है. और उसमें जो नोटेबल पैरामीटर्स हैं वो आर अल्फा टारगेट मॉड्यूल है और कुछ और भी हैं जैसे कि ड्रॉप आउट भी है. ड्रॉप आउट भी आप नीचे जो ये ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स है ये भी आप चेंज कर सकते हैं. तो ये आप थोड़ा सा क्विक सर्च करें. ये अलग रखे हैं ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन आर्ग्यूमेंट्स रहता है. बेसिकली ये इनिशियलाइज कर रहे हैं हम. मैं आपको बताती हूँ दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट एक फाइन ट्यूनिंग जो कि यूज हो रहा है फॉर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग. दिस मैंने आपको बताया ना ये कंपोनेंट है जो अपने मॉडल के साथ अटैच प्लगेबल एडाप्टर थिंक ऑफ इट लाइक एन एडाप्टर. यस और ये जो है ये हमारे पास ट्रेनिंग के आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना. ठीक है तो ये उसके अपने हाइपर पैरामीटर्स हैं. ठीक है तो ये इसलिए ये भी हाइपर पैरामीटर्स हैं ये भी हाइपर पैरामीटर. हाँ जी अभी इनिशियली तो इनके साथ ही चलाते ना एज इट इज फाइन ट्यूनिंग के बगैर. अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं करी एज दे आर प्रोवाइडेड हम उसको ऐसे ही चलाते हैं. एज दे आर प्रोवाइडेड भी फाइन ट्यूनिंग होगी. ये तो मैंने अपने रखे थे ना एंड दे आर ऑलरेडी फाइन ट्यून्ड टू अ सर्टेन लेवल. इसी को हमने मजीद फाइन ट्यून करना. Thank you.
That's a great one.